Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व 1 मार्च 2022 को है। इस दिन भगवान शिव का साकार रूप धारण किया था। उससे पहले वे परम ब्रह्मा सदा शिव थे। भगवान शिव का स्मरण होते ही हाथों में त्रिशूल, डमरू सिर पर जटा, गले में सांप पहने महादेव की विराट छवि मन में बनती है। वे भूत हैं, भविष्य हैं और वर्तमान भी हैं। वे काल से परे स्वयं महाकाल हैं। काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए वे महाकाल हैं। उनके प्रमुख दो शस्त्र धनुष और त्रिशूल हैं। उनके हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रश्न उठता है कि भगवान शिव के पास त्रिशूल कैसे आया, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। शिव के त्रिशूल का रहस्य। शिव पुराणों में बताया जाता है कि सृष्टि के आरंभ के समय भगवान शिव ब्रह्मनाद से प्रकट हुए थे। उनके साथ ही तीन गुण रज, तम और सतगुण भी प्रकट हुए हैं। ये तीनों ही भगवान शिव के शूल बने, जिसमें त्रिशूल बना। त्रिशूल शिव जी का प्रमुख शस्त्र है। यह तीन गुण रज, तम और सत का प्रतीक है। प्रारंभ से ही त्रिशूल भगवान शिव के साथ है। विष्णु के पुराण अनुसार विश्वकर्मा ने सूर्य के अंश से त्रिशूल का निर्माण किया था, जिसे उन्होंने भगवान शिव को दे दिया था। रस, तम और सतगुण में संतुलन के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता था। सृष्टि में संतुलन स्थापना के लिए भगवान शिव ने अपने हाथों में त्रिशूल धारण किया। इन तीनों गुणों में संतुलन के लिए महादेव ध्यान में मग्न रहते हैं। इन तीन गुणों का समावेश त्रिशूल में है। यह इस बात को भी दर्शाता है कि भगवान शिव इन तीनों ही गुण में से ऊपर है, क्योंकि उन्होंने इन पर विजय प्राप्त कर रखी है। त्रिशूल के तीन काल से जोड़कर देखा जाता है। यह भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का भी प्रतीक है। इस वजह से ही भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं। उनको भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी चीज़ों के बारे में ज्ञात है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान शिव का त्रिशूल तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कई राक्षसों का वध किया था और सृष्टि में शांति स्थापित की थी। न्यूज रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.